दोस्तों एक वेब सीरीज को अडल्ट सिर्फ उसके सेक्स सीन्स नहीं बनाती, बनाती है इसकी मैच्योर स्टोरी लाइन, जिसको देखने के लिए आपको थोड़ा मैच्योर तो होना ही होगा। तो आज हम ऐसी वेब सीरीज की लिस्ट लेके आए हैं जिसमें भर भर के सेक्स सीन्स हैं, ब्लड हैं और अडल्ट सीन्स है दोस्तों, जो आपके होश उड़ा देंगे। हर सीरीज की रेटिंग 8.5 के ऊपर ही है, तो सीरीज कितनी अच्छी है ये आप अंदाजा लगा ले। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी बेस्ट, जहां हम पेश करते हैं टॉप 10 लिस्ट ऑफ मूवीज एंड वेब सीरीज। और आज हम लेके आए हैं टॉप 10 वर्ल्ड्स बेस्ट अडल्ट वेब सीरीज की पार्ट 1 वीडियो। वीडियो शुरुआत करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर करें। तो बिना देरी के दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है शेमलेस, जो कि आई थी 2011 से 2021 के बीच। कॉमेडी और ड्रामा जॉनर की है दोस्तों। आईएमडीबी रेटिंग है 8.6। बात करें इसके बारे में तो ये एक अमेरिकन टेलीविजन सीरीज है जिसके अब तक 11 सीजन आ चुके हैं। हर सीजन में 45 मिनट लॉन्ग 12 एपिसोड्स हैं, जिसकी कहानी है दोस्तों एक मिडिल क्लास फैमिली के डैड के बारे में, जिसको अपनी पूरी फैमिली को संभालना पड़ता है, लेकिन उसकी ड्रिंकिंग हैबिट्स इसके बीच आती रहती है, तो उसी की लाइफस्टाइल उसकी दिक्कत की कहानी है ये सीरीज शेमलेस। सीरीज 18+ है दोस्तों, तो एडल्ट जोक और कुछ एडल्ट सीन सीरीज में। सीरीज स्टार्टिंग में बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे जैसे इसकी क्वांटिटी बढ़ती है वैसे वैसे इसकी क्वालिटी घट जाती है। फ्री टाइम आपके पास है दोस्तों, जिसे आप देख सकते हो, ये अवेलेबल है अमेजोन प्राइम वीडियो पे। इंग्लिश में इसे आप देख सकते हैं, साथ ही साथ हिंदी सब टाइटल्स के साथ भी इसका आप लुत्फ उठा सकते हैं। बात की जाए नंबर 9 के बारे में, नंबर 9 पे है वेस्ट वर्ल्ड, जो कि आई थी 2016 में। ड्रामा मिस्ट्री एंड साईफाई जॉनर की है और आईएमडीबी रेटिंग 8.6। दोस्तों ये एक अमेरिकन टेलीविजन सीरीज है जिसमें आपको बहुत सारे हार्ड आर रेटेड सीन्स देखने को मिलेंगे। इसके अभी तक 4 सीजन आ चुके हैं और अभी तक इसकी स्टोरी खत्म नहीं हुई है, मतलब आगे भी और सीजन आएंगे। 1 घंटे के आसपास हर एपिसोड वाली ये सीरीज 7 एमी अवार्ड जीत चुकी है। कहानी है एक फ्यूचरिस्टिक वेस्टर्न थीम्ड अम्यूजमेंट पार्क के बारे में दोस्तों, जहां विजिटर्स वहाँ के रोबोट्स के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जब ये रोबोट्स काबू से बाहर हो जाते हैं तो क्या होता है, जानने के लिए जरूर देखिए ये सीरीज, जो कि अवेलेबल है डिज्नी हॉट स्टार पे इंग्लिश में। नंबर 8 पे रोम, जो कि आई थी 2005 से 2007 के बीच। एक्शन ड्रामा और हिस्ट्री जॉनर की है। आईएमडीबी रेटिंग 8.7। दोस्तों रोम सीरीज में टोटल 2 सीजन्स हैं और हर सीजन का एपिसोड का लेंथ लगभग 50 मिनट का है। ये कहानी है 2 ऑर्डिनरी रोम सोल्जर्स के बारे में, जो कि रोम के रीना में जीतने के बाद हीरोज बन जाते हैं। उनकी जिंदगी एडवेंचर की कहानी बताती है और जिसमें वो एक एम्पायर को गिरते हुए और बनते हुए देखते हैं। सीरीज बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, जिसको आप हर हाल में मिस नहीं करना चाहोगे, और ये अवेलेबल है डिज्नी हॉट स्टार पे इंग्लिश में। नंबर 7 की बात की जाए, नंबर 7 पे दी बॉयज, जो कि आई थी 2019 में। एक्शन क्राइम और ड्रामा जॉनर की है। आईएमडीबी रेटिंग 8.7। दी बॉयज एक ऐसी सीरीज है दोस्तों जिसमें अडल्ट सीन्स कुछ ज्यादा ही हैं, ब्लड और न्यूड सीन्स भर भर के हैं। और हाँ, ये सारे सीन्स की तो वैसे जरूरत भी है। ये स्टोरी एक सुपर हीरो ग्रुप के बारे में और उनसे फाइट करते हैं एक आम आदमी का ग्रुप, लेकिन ट्विस्ट ये है कि इसमें सुपर हीरोज बहुत हरामी हैं। सीरीज का हर एपिसोड का लेंथ लगभग 1 घंटे का है दोस्तों, और इसके 3 सीजन आ चुके हैं। सीरीज एकदम मस्त है और इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पे है, जिसके लिंक आपको अभी आई बटन पे मिल जाएगा। ये सीरीज अवेलेबल है दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो पे, इसे आप हिंदी में भी देख सकते हैं। नंबर 6 की बात की जाए, नंबर 6 पे है नार्कोस, जो कि आई थी 2015 से 2017 के बीच। बायोग्राफी क्राइम एंड ड्रामा जॉनर की है। आईएमडीबी रेटिंग है 8.8। नार्कोस स्टोरी है एक ड्रग डीलर पैब्लो एस्कोबार के बारे में। आपने कभी न कभी ये नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि ये स्टोरी बेस्ड रियल लाइफ गैंगस्टर पैब्लो एस्कोबार पे, जो कि 80s में बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड था। उसके राइज और फॉल सब कुछ ये सीरीज 3 सीजन में बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाती है। सीरीज के हर एपिसोड का लेंथ 40 से 60 मिनट के आसपास का है दोस्तों, तो आपको ये सीरीज देखने के लिए अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन आप यकीन मानिए ये सीरीज आपको कहीं पे भी निराश या फिर बोर नहीं करेगी। ये सीरीज अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे, से आप हिंदी में भी देख सकते हैं।
बात की जाए नंबर पांच के बारे में, नंबर पांच पे है ब्लैक मिरर, जो कि आई थी 2011 से 2019 के बीच। ड्रामा, मिस्ट्री और साइफाई जॉनर की है। आईएमडीबी रेटिंग है 8.8। ब्लैक मिरर एक एंथोलॉजी सीरीज है दोस्तों, मतलब कोई भी एपिसोड एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। 40 मिनट के आसपास का हर एपिसोड आपके लिए एक मूवी के बराबर ही लगेगा। इसका एक ही एपिसोड आपको एक वीक सोचने पे मजबूर कर देगा। बात की जाए इसके बारे में तो ह्यूमन इन्वेंशन की डार्केस्ट पॉसिबिलिटी को ये सीरीज बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाती है, जिसको आप हर हाल में मिस नहीं करना चाहोगे। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे बोथ हिंदी एंड इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी। नंबर चार पे है ट्रू डिटेक्टिव, जो कि आई थी 2014 से 2019 के बीच। क्राइम ड्रामा और मिस्ट्री जॉनर की है। आईएमडीबी रेटिंग इज 8.9। ट्रू डिटेक्टिव को आज तक रिलीज हुई बेस्ट क्राइम थ्रिलर सीरीज में गिना जाता है दोस्तों। इसके तीन सीजन आ चुके हैं और हर सीजन की स्टोरी एक दूसरे से अलग है, लेकिन शो की क्वालिटी एकदम बरकरार रहती है। अमंग तीन सीजन फर्स्ट वाला सीजन कुछ ज्यादा ही बेहतरीन है। कहानी एक मर्डर केस और उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे ऑफिसर के सराउंडिंग है। इसमें हर एपिसोड के एंड में आपको ऐसे क्लिफहैंगर्स देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो आपको सीधे अगले एपिसोड में ला के छोड़ती है। तो दोस्तों ये HBO Max का कंटेंट है, लेकिन इंडिया में ये आपको डिज्नी हॉट स्टार पे सिर्फ इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं नंबर तीन के बारे में। नंबर तीन पे दोस्तों दी सोप्रानोस, जो कि आई थी 1999 से 2007 के बीच। क्राइम और ड्रामा जॉनर की है। IMDb रेटिंग है 9.2। टोटल 6 सीजन वाली ये सीरीज, हर एपिसोड के लेंथ 55 मिनट के आसपास है। कहानी एक इटालियन अमेरिकन माफिया के बारे में, जो कि अपने फैमिली और क्राइम लाइफ के बीच में फंस जाता है। वो इसको मैनेज करने के लिए क्या क्या करता है दोस्तों, जानने के लिए देखिए ये सीरीज। सीरीज में अल्कोहल, न्यूडिटी और मर्डर सब कुछ है, तो बच्चों को इससे दूर ही रखिएगा। सीरीज अवेलेबल है डिज्नी हॉट स्टार पे, इसे आप इंग्लिश में देख सकते हैं। बात की जाए नंबर दो के बारे में। नंबर दो पे दी वॉयर, जो कि आई थी 2002 से 2008 के बीच। क्राइम ड्रामा और थ्रिलर जॉनर की है और IMDb रेटिंग है 9.3। हाई रेटेड ये सीरीज के टोटल 5 सीजन आ चुके हैं और इसमें टोटल 60 एपिसोड्स हैं। इसके हर एपिसोड का लेंथ 60 मिनट के आसपास है। कहानी एक डिटेक्टिव के बारे में है और उसके टीम की है, जो कि उनके सिटी के ड्रग लॉर्ड और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के बीच क्या कनेक्शंस हैं, उसको ढूंढ के उनको पकड़वाना, ये सब बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया जाता है। ये उन गिने चुने सीरीज में आती है दोस्तों, जिसको किसी भी कैटेगरी के लोग देख सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वो 18 प्लस होने चाहिए। अगर आप 18 प्लस हैं तो ये सीरीज अवेलेबल है डिज्नी हॉट स्टार पे, इसे आप इंग्लिश में देख सकते हैं। अब बात की जाए नंबर एक के बारे में। नंबर एक पे है गेम ऑफ थ्रोन्स, जो कि आई थी 2011 से 2019 के बीच। एक्शन, एडवेंचर और ड्रामा जॉनर की है। IMDb रेटिंग है 9.2। दोस्तों शायद ही कोई हो जो कि इस सीरीज के बारे में नहीं जानता हो। ये सीरीज में सब कुछ है जो आप देखना चाहते हो। इसमें आउट ऑफ द वर्ल्ड फाइटिंग है, बड़े बड़े बैटल्स हैं, इसमें जॉम्बीज हैं और मैजिक भी। सीरीज के अभी तक 8 सीजन आ चुके हैं और लास्ट के 2 सीजन को छोड़कर हर सीजन में 10 एपिसोड्स हैं। सीरीज नहीं देखी है दोस्तों तो सीरीज अवेलेबल है डिज्नी हॉट स्टार पे इंग्लिश में। तो दोस्तों आज के लिए इतना, इसके साथ ही हम यहाँ वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमको हर जगह जरूर फॉलो करो दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए करते रहिए बिंज वॉच।